A warm hello to all the learners of Mathetic Maths Adda. This is Vinay Pandey here again. Application of integrals. Class 12th ka previous years ki series hum kar rahe the. Previous years ki series mein last jo class 12th ka video humne kiya tha, usme humne application of integral ke 2015 mein jo questions puche gaye hain CBSE aur Uttarakhand board aur uske saath-saath Delhi board. ये तीन बोर्ड के हमने क्वेश्चंस देखे थे जो 2015 में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में पूछे गए थे. आज का जो वीडियो है वो बेस्ड है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल 2016 पे. 2016 पे उत्तराखंड बोर्ड, सीबीएसई और दिल्ली बोर्ड, तीनों बोर्ड्स के क्वेश्चन हम देखेंगे. वन बाय वन तीनों का सॉल्यूशन हम करेंगे. आइए स्टार्ट करते हैं. जिस भी स्टूडेंट ने इससे पहला जो वीडियो है वो नहीं देखा है, क्योंकि इंटीग्रल्स के भी 4-5 इयर्स के हमने जो क्वेश्चंस बोर्ड्स में आए हुए थे वो भी हमने सॉल्व कर लिए हैं. और इसके पहला जो वीडियो है अगर आप वो देखना चाहें, क्योंकि मैंने उसमें थोड़ा सा बेसिक भी बताया था कि इंटीग्रल से आप एरिया निकालेंगे तो कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज़ करना है आपको, तो डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट का मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से सारे वीडियोज़ देख सकते हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं. पहला जो क्वेश्चन है वो उत्तराखंड बोर्ड का क्वेश्चन है. फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द सर्कल. एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, यानी कि एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर 0, 0 है और रेडियस कितनी है 4. वाई इक्वल टू एक्स एक ऐसी लाइन होती है जो ओरिजिन से पास होते हुए 45 डिग्री का एंगल बनाती है. एंड वाई एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये भी ध्यान रखना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए बोल रहा है. तो पहले डायग्राम फॉर्म करते हैं इसका. ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई और ये y एक्सिस हो गई. इसमें देखिए आप जो हमको बनाना है सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16, यानी कि ये सेंटर हो गया इसका और ये 4, 0 और ये हो गया 0, 4. ये आपके इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए y इक्वल टू एक्स, जो लाइन है वो इस तरीके से 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए लाइन बनती है. ये y इक्वल टू एक्स हो गया. तो कौन सा आपको पोर्शन निकालना है इसके अंदर का, मतलब इनके कॉमन पोर्शन का आपको एरिया निकालना है. और y एक्सिस ये है, लाइन ये है और सर्कल ये है, यानी कि आपको इस वाले पोर्शन का एरिया निकालना है. तो अब इसमें पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, नेमिंग कर लेते हैं. और नेमिंग करने के बाद हम अपने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाएंगे एरिया का और उसके बाद उसका एरिया हम निकालेंगे. तो देखिए जो नेमिंग हम कर रहे हैं, ये a मान लिया हमने, ये b मान लिया. इसमें एक यहां से परपेंडिकुलर हम बना लेते हैं जिसको हम c मान लेते हैं. ये जो पूरा पोर्शन हमको निकालना है ओ ए बी, इस पूरे पोर्शन के लिए हम क्या करते हैं, पहले इतने का एरिया निकालेंगे और इतने का एरिया अलग से निकालेंगे, दोनों एरियाज को हम ऐड कर देंगे. अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम एरिया का वाई डी एक्स वाला फॉर्मूला लगाएं या एक्स डी वाई वाला फॉर्मूला. तो क्योंकि ये y एक्सिस में आ रहा है तो हमको कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा, x dy. पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज करना है. तो x dy वाला फॉर्मूला हम दोनों के लिए यूज करेंगे, इस वाले के लिए भी और इस वाले के लिए भी. तो स्टार्ट करते हैं. देखिए रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, किसके अलाउंग ओ ए सी, ओ ए सी ओ कौन सा फॉर्मूला, एक्स डी वाई प्लस ऊपर कौन सा पोर्शन है सी ए बी सी, इसमें भी एक्स डी वाई वाला फॉर्मूला. अब इसमें देखिए आप जो ओ ए सी ओ है डी वाई आ रहा है और डी वाई के लिए आपको वाई की लिमिट चाहिए. तो वाई की लिमिट में आप देखिए ये जो लाइन है और ये जो सर्कल है, लाइन की इक्वेशन क्या है वाई इक्वल टू एक्स, सर्कल की इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16. अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमको ए के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे और ए के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16. तो 2y² इक्वल टू 16, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2√2 और y 2√2 आ गया तो x भी कितना हो जाएगा 2√2. तो ये जो पॉइंट है 2√2 हो गया ए के कोऑर्डिनेट्स. अब इस लाइन में जब हम सी के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो आप इससे आइडिया लगाइए सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे. सी वाई एक्सिस में है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट इतना ही रहेगा 2√2. तो इसमें लिमिट क्या होगी 0 से 2√2 एक्स,
अब आप ध्यान से देखिए इसको, x की वैल्यू हम कहां से रखें, क्या हम लाइन से x की वैल्यू रखें या सर्कल से रखें? तो इस वाले पोर्शन में आप देखिए, सर्कल का कोई भी पोर्शन इस रीजन में सर्कल का कोई भी पोर्शन यूज नहीं हो रहा है, इसमें सिर्फ लाइन का पोर्शन यूज हो रहा है। तो लाइन में x की वैल्यू क्या है, y, तो y dy। और इस वाले पोर्शन में आप देखिए y कहां से स्टार्ट हो रहा है, 2√2 से, और y हाईएस्ट यहां पे y कितना है, 4। और x की वैल्यू अब यहां पे सर्कल का पार्ट यूज हो रहा है, तो सर्कल से हम x निकालेंगे तो कितना होगा, √16 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। बस आपको इसका इंटीग्रेशन कर लेना है, लिमिट लगानी है, और लिमिट लगाने के बाद आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो इसको मैं डायग्राम को हटा दे रहा हूं, क्या हो जाएगा एरिया, y स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट क्या है, 0 से 2√2 प्लस 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर, तो रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या होता फॉर्मूला, एक्स बाई 2 होता था, एक्स बाई 2 मतलब y आ जाएगा यहाँ पे, रूट 16 माइनस y स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a, a कितना है यहाँ पे, a है 4 का स्क्वायर, 16 बाई 2 साइन इनवर्स x, x का मतलब y, और एक a का काम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, 4, और लिमिट क्या है, 2√2 से 4, तो 2√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 बाई 2, और 0 पे 0 हो जाएगा, प्लस 4 यहाँ रखेंगे तो 4 रखने पे 0 हो जाएगा पहला टर्म। साइन यहाँ y, साइन इनवर्स 1 कितना होता है, पाई बाई 2, तो 16 बाई 2 इंटू पाई बाई 2, लोअर लिमिट रखते हैं यहाँ पे, माइनस y की जगह पे 2√2 अपॉन 2, 16 माइनस 2√2 का स्क्वायर कितना होता है, 8 प्लस 16, सॉरी माइनस आएगा यहाँ पे भी, लोअर लिमिट है, 16 बाई 2 साइन इनवर्स 2√2 अपॉन 4। तो इसको सिंप्लीफाई आप करिए, आपको इस पोर्शन का आंसर मिल जाएगा, 8 बाई 2 16 पाई बाई 4 माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया, 16 माइनस 8, 8 और 8 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2√2 माइनस 8, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, और रूट 2 से ये कैंसिल होगा, तो साइन इनवर्स 1 बाय रूट 2, ये 4 हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, 4 पाए माइनस ये कितना हो जाएगा, 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, माइनस 8, और साइन इनवर्स 1 बाय रूट 2 क्या होता है, पाई बाय 4। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई करके आपको फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो ये उत्तराखंड बोर्ड का क्वेश्चन है, आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, जो सेकंड क्वेश्चन सीबीएसई 2016 में आया हुआ है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है बोर्ड्स के एग्जाम में, तो इसको आप ध्यान से तैयार कर लीजिएगा। इसमें आपको 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं ट्राइंगल के, और वो तीनों वर्टिसेस से जो ट्राइंगल बनेगा उस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो पहले डायग्राम इसका फॉर्म करते हैं, डायग्राम देखिए, ये हमारी y एक्सिस हो गई, ये हमारी x एक्सिस हो गई, इसमें देखिए आप, ये ओरिजिन हो गया, पॉइंट्स का क्या है, पॉइंट्स है आपके 2, -2, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -2 है, तो कुछ पॉइंट यहां मिलेगा आपको, 4, 3, 4 यहां, 3 यहां, 4, 3 और 1, 2, 1, 2 कहां होगा, 1, 2 इधर कहीं होगा, तो ये पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये पॉइंट्स की नेमिंग भी कर लेते हैं, ए बी और सी। तो ये जो ट्राइंगुलर रीजन बन रहा है, इस ट्राइंगुलर रीजन का आपको एरिया निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कि ये जितनी लाइंस ट्राइंगल के तीनों एजेस बन रही हैं, तीनों एजेस का फॉर्मूला, सॉरी तीनों एजेस की आपको इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। इक्वेशन का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, जहां एम क्या होता था उसका स्लोप। इससे पहले आप लाइंस की इक्वेशन निकालेंगे, और उसके बाद फिर आप इसका एरिया निकालेंगे। तो लाइंस की इक्वेशन निकालते हैं, तीनों एजेस की इक्वेशन निकालते हैं इस फॉर्मूले से, जो फॉर्मूला मैंने अभी लिखा था। ए बी की इक्वेशन निकालेंगे तो क्या होता है फॉर्मूला,
कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट को ले लेते हैं y माइनस वाई वन यानी कि y प्लस टू, स्लोप क्या होगा इसका y2 माइनस वाई वन यानी कि 3 प्लस टू अपॉन 4 माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू, तो ये 2 हो जाएगा 2y प्लस 4 और ये हो जाएगा 5x माइनस 10। तो यहां से अगर हम इसको वहां माइनस में लेके जाए तो 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5x माइनस 14, ये आपकी ए बी की इक्वेशन हो गई। ए सी की इक्वेशन, ए बी बी सी और ए सी की इक्वेशन निकालते हैं। बी सी की इक्वेशन निकालेंगे तो कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं वाई माइनस वाई वन, स्लोप क्या हो जाएगा इसका 3 माइनस टू अपॉन 4 माइनस वन और इंटू में एक्स माइनस एक्स वन का मतलब वन हो गया। ये आपने क्लास 11 में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 3y माइनस 6 और ये कितना हो जाएगा x माइनस वन, तो 3y इज इक्वल टू x ये प्लस 5 हो जाएगा इधर जाकर के। और इसके बाद हमको सी ए की इक्वेशन निकालनी है या ए सी की इक्वेशन निकालनी है, तो इसमें भी आप कोई भी एक पॉइंट ले लो y माइनस वाई वन, स्लोप कितना होगा इसका माइनस टू माइनस टू माइनस फोर और 2 माइनस वन वन एक्स माइनस वन, तो y माइनस टू इज इक्वल टू माइनस फोर एक्स प्लस फोर, ये 2 वहां जाकर के ऐड हो जाएगा तो y इज इक्वल टू माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स। ये तीनों इक्वेशन हमको ए बी बी सी और सी ए की हमने इक्वेशन निकाल दी है। इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है इंटीग्रेशन का यूज करके। फर्स्ट पार्ट को मैं हटा दे रहा हूं। तो आप देखिए जो हमको एरिया निकालना है वो किस तरीके से निकालना है। एक यहां से परपेंडिकुलर इसमें डाल दिया, ये सी पॉइंट से परपेंडिकुलर यहां डाल दिया और बी पॉइंट से एल एम और एन मान लिया हमने, ये सब परपेंडिकुलर्स हैं। आप ध्यान से देखिए, अगर मैं इस पूरे पोर्शन का एरिया निकाल लूं पहले एल ए बी एन एल, ये पूरे पोर्शन का एरिया निकाल दिया, उससे ये वाला पोर्शन माइनस कर दिया और ये वाला पोर्शन माइनस कर दिया, तो बचेगा क्या, ट्राइंगल का एरिया, और वही हमको निकालना भी है। और इसमें जो एलिमेंट्री पार्ट हमको, जब हम इस पूरे एक पोर्शन का एरिया निकालेंगे तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये y एक्सिस में आ रहा है तो x dy वाला फॉर्मूला लगेगा। तीनों टर्म्स में आपको x dy वाला फॉर्मूला लगाना है, बस यही मेन कंसेप्ट है इसमें। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया कौन सा, x dy, ये कौन सा पोर्शन ले रहे हैं पूरा एल ए बी एन एम एल, एल ए बी एन एम एल, इससे ये दोनों पोर्शन का एरिया माइनस कर देंगे, तो इन दोनों को निकालेंगे एक्स डी वाई, ये क्या है एल ए सी एम एल, एल ए सी एम एल प्लस ये वाला पोर्शन क्या है एम सी बी एन एम एक्स डी वाई। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, न्यूमेरिकल भी मैं हटा दे रहा हूं। देखिए जो पहला टर्म है, लिमिट तो y की लेनी है इसमें, इस वाले पोर्शन में y, यहां पे y कितना है माइनस टू और यहां पे y कितना है 3, माइनस टू से 3। अब जो मैंने आपको कंसेप्ट पहले वीडियो में बताया था, इस वाले पोर्शन का जब हम पूरे पोर्शन का एरिया निकाल रहे हैं तो इसमें कौन सी लाइन आ रही है, इसमें आ रही है ए बी वाली लाइन, ये दोनों लाइन इस वाले पूरे पोर्शन के लिए यूज नहीं हो रही है, तो ए बी से आपको क्या निकालना है, एक्स निकालना है। तो यहां से एक्स निकालेंगे तो कितना आएगा 2y प्लस 14 अपॉन में क्या आ जाएगा 5 dy माइनस, ये कौन सा पोर्शन है ये वाला, इसमें आप देखिए यहां पे सी पॉइंट, सी पॉइंट पे वाई कितना है 2 है, तो माइनस 2 से 2 और इसमें कौन सी लाइन आ रही है एसी, एसी में आपको क्या निकालना है एक्स निकालना है, तो ये 4x इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस वाई प्लस 6 अपॉन 4 डी वाई माइनस, ये माइनस हो जाएगा। और लास्ट वाला जो पोर्शन है, इस वाले पोर्शन को हमको हटाना है इसमें से, इस पूरे पोर्शन से हमने इसको और इसको हटाना है, इसमें यहां पे वाई कितना है 2 और यहां कितना है 3, 2 से लेके 3, और इस वाले में कौन सी लाइन यूज हो रही है बीसी, और बीसी से आपको क्या निकालना है एक्स निकालना, कितना हो जाएगा
3y माइनस 5 dy। अब स्टूडेंट्स जो इंटीग्रेशन है और इंटीग्रेशन कैसे करना है वो आप सब लोगों को पता है, कैसे लिमिट अप्लाई करनी वो भी आप जानते हैं। बहुत सिंपल से इंटीग्रेशन है, 2 अपॉन 5 अलग हो जाएगा, y का कितना हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन 2, इसका 14y, इसका y स्क्वायर अपॉन 2 1/4 बाहर हो जाएगा, 6 का क्या हो जाएगा 6y, ये 3y स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 5y। और सब में आप हाई लिमिट और लो लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं वो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो वो जो सॉल्यूशन न्यूमेरिकल आएगा यहाँ पे वही इस ट्राइंगल का क्या हो जाएगा एरिया हो जाएगा, इसके आगे आप न्यूमेरिकल को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसके आगे मैं सिंप्लीफिकेशन नहीं कर रहा हूँ। आते हैं थर्ड जो डेली बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है, ये ट्राइंगल वाले और भी जितने क्वेश्चन आपको बुक में मिलते हैं उन सारे क्वेश्चन को आप कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। तो इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आपको मिलते हैं पॉइंट से जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है उसका एरिया निकालने वाले, वो क्वेश्चंस भी आप सॉल्व करें। आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन को देखिए आप, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। इंटीग्रेशन का रीजन क्या दिया हुआ देखो आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2x, वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ax, और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको इधर लेके आते हैं, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ax, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप देखिए इसको अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना तो यहाँ एक a स्क्वायर इधर ऐड करना पड़ेगा और एक a स्क्वायर हमने राइट साइड में ऐड कर दिया। तो ये फॉर्मूला बन गया देखो, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ये तीन इक्वेशंस आपको मिल गई हैं, इन तीनों इक्वेशंस में जो कॉमन रीजन आएगा उसका आपको एरिया निकालना है। तो जो पहला वाला रीजन आपको मिल रहा है उस पहले वाले रीजन को अगर आप ध्यान से देखें तो वो जो रीजन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक सर्कल। ये y एक्सिस और ये हो गई एक्स एक्सिस। ये ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर क्या है a कॉमा 0 और जिसकी रेडियस क्या है a। तो सेंटर a कॉमा 0 अगर आपको लेना है, a कॉमा 0 यहां नहीं होगा, ये सेंटर और a रेडियस यानी कि इसको टच करता हुआ एक सर्कल आपको बनाना है। ये सर्कल हो गया, ये a कॉमा 0 है, ये भी रेडियस a होगी, तो ये क्या हो जाएगा 2a कॉमा 0। वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स क्या होता है एक पैराबोला, और ये कैसे बनेगा कुछ इस तरीके से, ये हो गया आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स, ये पैराबोला बना दिया हमने। और तीसरी कंडीशन क्या है, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई से बड़ा। तो इनमें सब में कॉमन पोर्शन क्या आ रहा है, ये आ रहा है, इस पोर्शन का एरिया निकालना है। और इस पोर्शन का एरिया निकालने के लिए हम इतने पोर्शन का एरिया निकालेंगे और उसका क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। तो डबल जैसे ही हम करेंगे तो आपको पूरे पोर्शन का एरिया मिल जाएगा। अब देखिए ये जो इक्वेशंस हैं, जो दोनों इक्वेशंस हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान से समझिएगा इसको। अगर इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो हमको ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो मिल जाएगा। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू हम फिलहाल ये मान के चल रहे हैं कि ये x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है और y स्क्वायर इक्वल टू क्या है ax। तो y स्क्वायर इक्वल टू ax यहां रखेंगे तो ये x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax और y स्क्वायर की जगह पे ax और इक्वल टू ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये कितना हो जाएगा माइनस ax। तो x कॉमन आएगा तो कितना होगा x माइनस ए, तो x की दो वैल्यूज क्या आ रही है, 0 आ रही है, 1 a, यानी कि x ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, एक तो 0 पे कर ही रहा है और ये पॉइंट क्या है a, यहाँ पे x कितना है a, x की वैल्यू a अगर हम यहाँ रखेंगे तो y कितना मिल जाएगा यहाँ से a। तो ये पॉइंट भी हमको मिल गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो यानी कि ये एग्जैक्टली यहां से इसके सेंटर से पास हो गए। इसकी नेमिंग कर लेते हैं हम a b c। तो ये आपको पॉइंट क्लियर है, हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला और ये इक्वेशन हमको सबसे मेन जो आपको समझना है वो ये कि इक्वेशन का ग्राफ क्या है और कॉमन पोर्शन क्या है, बाकी इंटीग्रेशन आप इजीली कर ही सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू ट्वाइस कौन सा एरिया,
अब देखिए ये जो एरिया निकालना है ट्वाइस एरिया ऑफ रीजन कौन सा ओ ए बी सी ओ ओ ए बी सी ओ। अब सीधे सीधे तो ये एरिया हम निकाल नहीं सकते, हम क्या करते हैं ये पूरे पोर्शन का एरिया निकालते हैं पहले, इसको हम पी मान लेते हैं। ध्यान से समझिएगा इसको, कौन सा ओ पी बी सी ओ ओ पी बी सी ओ। फॉर्मूला कौन सा लगेगा इसमें दिमाग लगाइए, दो फॉर्मूले में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एक्स में आ रहा है तो वाई डी एक्स। ये हमने ये पूरे पोर्शन का एरिया निकाल दिया, ये पूरा पोर्शन है और इसमें से ये नीचे वाला जो खाली पोर्शन है इसको माइनस कर देते हैं, तो वाई डी एक्स कौन सा पोर्शन ओ पी बी ए ओ। बस यही समझना है इसमें, इस पूरे पोर्शन में से हमने ये नीचे वाला पोर्शन माइनस कर दिया तो आपको ऑटोमेटिकली ये वाला पोर्शन मिल जाएगा। तो ट्वाइस इसमें x की लिमिट आप देखिए कहां से कहां जा रहा है, x 0 से लेके a तक, 0 टू a, y। अब इसमें देखिए जब हम पूरा बड़ा वाला पोर्शन ले रहे हैं तो पैराबोला वाला पोर्शन नहीं आ रहा है, सर्कल वाला पोर्शन आ रहा है और सर्कल की इक्वेशन ये है। यहां से आपको y निकालना है और y हम यहां से भी निकाल सकते हैं, तो y कितना हो जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, रूट 2 ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। या फिर हम यहां से भी निकाल सकते हैं, जहां से आप चाहे वहां से निकाल सकते हैं, तो इससे अगर हम y की वैल्यू निकालेंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट, तो इसके जगह पे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर डी एक्स माइनस, ये नीचे वाला जो पोर्शन है इसमें पैराबोला आ रहा है और पैराबोला से y अगर हम निकालें तो क्या आएगा, रूट ए रूट एक्स डी एक्स, और इसमें भी लिमिट x कहां से कहां जा रहा है, जीरो से लेकर के a। अब आप फॉर्मूले का यूज करें फिर से, और फॉर्मूले का यूज करके आप आंसर निकाल सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, टू टाइम्स क्या था फॉर्मूला, जो फॉर्मूला हमने पहले भी यूज किया था, x माइनस एक्स बाई टू होता है रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो ए की जगह पे तो ए आ रहा है इसमें, ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स की जगह पे कितना है एक्स माइनस ए अपॉन ए, और लिमिट क्या है, जीरो टू ए, लिमिट आप अप्लाई कर लें इसमें। और दूसरा ये तो सिंपल ही है, माइनस रूट ए एक्स की पावर थ्री बाई टू अपॉन थ्री बाई टू, और लिमिट क्या है, जीरो टू ए। अब फिर से आप इसको आगे सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई से भी करना है, इसमें आपको लिमिट लगानी है और लिमिट लगा करके आपको जितना स्क्वायर यूनिट्स है वो एरिया कौन सा हो जाएगा इसका, क्योंकि हम पहले से टू टाइम्स करते हुए चल रहे हैं तो आपको डबल, पहले से ही आपको स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था कि हम इसका डबल करेंगे तो नीचे का एरिया भी इसमें काउंट हो जाएगा, तो आपको दोनों एरियाज इसमें मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स इसमें एक जो तीसरी इक्वेशन थी वो शायद मैं उसको काउंट करना भूल गया, क्योंकि इसमें तीसरी कंडीशन ये थी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो इसको भी आपको ध्यान में लेके चलना पड़ेगा, वाई क्या है, जीरो से बड़ा है, और अगर हम नीचे वाला पोर्शन भी काउंट कर लें तो इस केस में वाई क्या है, जीरो से छोटा है, नेगेटिव है, तो इसका मतलब आपको सिर्फ इसी पोर्शन का एरिया निकालना था, जो मैंने स्टार्टिंग से आपको ट्वाइस का मल्टीप्लीकेशन बताया वो आपको तभी निकालना होगा जब ये वाली कंडीशन उसमें मेंशन ना हो, तो इसको थोड़ा सा करेक्ट आप कर लीजिएगा, जो हमने बाहर से टू से मल्टीप्लीकेशन किया था वो टू से मल्टीप्लीकेशन आपको नहीं करना है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि एक कंडीशन जो तीसरी कंडीशन थी वो y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो थी, y पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाला जो पोर्शन है वो हम उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। इसी तरीके के क्वेश्चंस आप इसी दो पेपर्स में जो मैंने एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के आपको क्वेश्चंस कराए हैं, इसी तरीके के क्वेश्चंस आप और भी करते रहें प्रैक्टिस,